अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस से एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने 2 कप्स राइस लिया है। ये राइस फ्रेश नहीं है, ये कल का बना हुआ राइस है। यूजुअली घर में राइस बच जाता है और हमको जो है समझ नहीं आता उसका क्या करना चाहिए। ये राइस जो है मैं फ्राइड राइस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। 2 अंडे लिए हैं मैंने, ऑफकोर्स एग फ्राइड राइस है तो एग्स उसमें ज़रूरी है। 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियन लिया है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर है अवेलेबल तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सोया सॉस लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून विनेगर लिया है, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो है, सॉल्ट लेना है मैंने, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 2-3 टेबलस्पून ऑयल की जरूरत है। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली है, वोक जिसको कहते हैं, आप कोई भी और बर्तन में बना सकते हैं। पहले मैंने इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। तेल जब गर्म हो जाए तब मैंने इसके अंदर ये जो मैंने अंडे लिए थे ये मैंने फेंट लिए हैं थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, और उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ये मैंने इसमें डालना है और उसको मैंने बस भुर्जी की तरह चला लेना है। ये देखिए ये अंडे अब जो है भुर्जी की तरह, भुर्जी की शक्ल में जो है बन गए हैं। जब ये अंडा अच्छी तरीके से पक जाए, ये देखिए ये पूरा अंडा तैयार हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ये राइस जो है ये पूरा मैंने इसमें डालना है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, राइस आप इसमें फ्रेश इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि फ्रेश राइस जो है, अभी का बना हुआ राइस जो है वो उसके अंदर टूट फूट सकता है, उसके दाने जो है वो टूट जाएंगे। इसलिए राइस जो है हमेशा 1 से 2 घंटे पहले बना हुआ या 1 दिन पहले बना हुआ राइस इस्तेमाल कीजिए। राइस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये सोया सॉस डालना है। ये चारों तरफ बराबर से डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। विनेगर डाल रहा है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ब्लैक पेपर भी मैंने इस पे डाल देना है पूरा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसके बाद ये अजीनोमोटो जो मैंने बताया था, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्राइड राइस का मजा इससे ज्यादा अच्छा आता है, ये मैंने इस पे डालना है तकरीबन 1/4 टीस्पून और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फाइनली मैंने ये स्प्रिंग ऑनियन जो है ये इस पे डाल देना है। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाकर मैंने चूल्हा बंद कर देना है। मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, लेकिन इसमें सॉल्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राइस जो है वो ऑलरेडी मेरा पुराना राइस था जिसमें थोड़ा सॉल्ट था, और दूसरी बात सोया सॉस मैंने डाला था, सोया सॉस में भी इनफ सॉल्ट होता है, तो उसके अंदर आपको सॉल्ट डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके राइस में सॉल्ट नहीं है तो आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी एग फ्राइड राइस खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको बच्चों के लिए बनाइए, घर में पड़े हुए बासी राइस से बनाइए, ये बहुत मज़ेदार लगेगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ एक अच्छी डिश बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको इसको स्पाइसी करना है आप इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बासी चावलों से बना ये एग फ्राइड राइस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।